दिक्कतें अनेक, कारण अनेक, समाधान एक। ESLA, एन ई मॉनिटरिंग सर्विस लेवल एग्रीमेंट, दिल्ली सरकार द्वारा पारित किया गया एक्ट। दिल्ली, राइट टू बी सिटीजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, एक्ट 2011 का ESLA, यानी सरकारी सेवाओं की जन निगरानी का इलेक्ट्रॉनिक तरीका। मॉनिटरिंग कहीं भी कभी भी 24 घंटे। ESLA एक ऐसी खिड़की जो खोलती है आदर्श नागरिक संहिता को लागू करने में सहायक कई आयाम। एक ऐसी व्यवस्था जो बनाती है सरकारी कामकाज पर जन निगरानी को आसान और प्रभावी। रोकती है आपके आवेदन पर निर्णय में देरी को, देती है राहत बार बार चक्कर काटने से, बचाती है समय, श्रम और पैसा जन जन का, बढ़ाती है समयबद्धता, विश्वसनीयता और कार्य कुशलता सरकारी कामकाज की, बनाती है रिश्ता सरकार और समाज का। ESLA सचमुच एक कारगर प्रणाली, एन इफेक्टिव इनोवेशन। और इस अनूठी पहल को अपने यहाँ लागू करने वाले कुछ राज्यों की श्रेणी में दिल्ली का नाम भी अग्रणी है। देश की राजधानी होने के नाते ये बहुत ही जरूरी था कि यहाँ की सारी व्यवस्था और प्रणाली चुस्त दुरुस्त हो, नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं की सेवा को समय के साथ जोड़ा जाए, कार्य प्रक्रिया की गति तेज हो जिससे दिल्ली की गिनती भी हर स्तर पर दुनिया के सबसे बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करने वाले विश्व स्तरीय शहर एवं राजधानी के रूप में हो। ये सिर्फ सपना नहीं है, दिल्ली सरकार ने की कई कारगर पहल, इनमें से एक है सिटीजन चार्टर, आदर्श नागरिक संहिता। कौन सा काम कितने समय में हो जाना चाहिए, सिटीजन चार्टर में ये साफ साफ लिखा है। टाइम बाउंड सेवा देने के लिए सरकार ने हर स्तर पर की है नागरिक सेवा प्रबंधन की सुदृढ़ व्यवस्था, कर्मचारी और नागरिक दोनों के प्रति न्यायपूर्ण। तय समय के भीतर काम न होने पर जहां दोषी पर कार्रवाई के लिए हैं एफिशिएंट ऑफिसर्स, वहीं कभी कभी जब दोष कर्मचारी का न हो ऐसे में पुनर्विचार हेतु अपील का प्रावधान भी है और अधिकारियों के एक वर्ग को उस पर निर्णय लेने का अधिकार भी। अगर किसी विभाग या अधिकारी को पूरे साल में कोई भी डिले नहीं आती है सर्विस देने में तो उसको 5,000 रुपए तक का भी रिवार्ड दिया जा सकता है। सेवा प्रक्रिया सभी के लिए समान, प्रभावी, पारदर्शी, व्यावहारिक और सुलभ हो, इसके लिए दिल्ली सरकार दिल्ली निवासियों के अधिकार के लिए समय बाध्य डिलीवरी सेवाएं अधिनियम 2011 लेकर आई, जो 15 सितंबर 2011 से लागू हुआ। इसे दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी IT विभाग और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने मिलकर ESLA के मॉनिटरिंग एवं ट्रैकिंग सिस्टम को विकसित किया। ESLA के तहत समयबद्ध सेवा को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली यानी इलेक्ट्रॉनिक सेवा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के परामर्श से विकसित किया गया है। इसे दिल्ली सरकार के सूचना और तकनीकी विभाग और राष्ट्रीय सरकार राजधानी क्षेत्र दिल्ली की मदद से तैयार किया गया है। ये विभिन्न विभागों के डेटा का एकीकृत और केंद्रीय सॉफ्टवेयर है जो कि मूल्यांकन, देखरेख और उनके विभागों के प्रदर्शन की निगरानी और देरी के किसी भी प्रकार पर नजर रखता है। ये सेवा अधिनियम दिल्ली अधिकारों को लागू करने के लिए ICT उपकरणों की मदद से निगरानी प्रणाली द्वारा शासन प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस एक्ट का उद्देश्य नागरिकों के आवेदन पर निश्चित समय सीमा के अंदर कार्य करना, सरकार की कार्रवाई और पारदर्शी और आम जनता के हितों के प्रति ज्यादा जिम्मेदार बनाना है, क्योंकि सरकार आम आदमी के समय और श्रम का सम्मान करती है।
चाहे आपको अपने राशन कार्ड के आवेदन की स्थिति जांचनी हो या फिर बिजली कनेक्शन से संबंधित की गई कार्रवाई जाननी हो, ESLA बनाता है इसे और आसान, वो भी किसी पर निर्भर हुए बिना, एनी टाइम। बस ऑन कीजिए नेट, खोलिए वेबसाइट esla.delhi.gov.in और लॉग इन कीजिए और स्टेटस आपके सामने है। ना कितना आसान, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसके लिए आवेदनकर्ता को कोई फीस नहीं देनी होती, न चक्कर लगाने की जरूरत और न किसी के सामने गिड़गिड़ाने की। जब आप कहीं आवेदन करते हैं तो संबंधित विभाग प्राप्त आवेदन की जांच करता है और ये भी कि भरा गया विवरण सही है या नहीं। विवरण सही पाए जाने पर इसे स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे ही आपका आवेदन स्वीकार होता है, संबंधित डिपार्टमेंट उस आवेदन को एक यूनिक आईडी जारी करता है। आप जब चाहें ESLA पर ये आईडी डालकर अपने आवेदन की वस्तु स्थिति जान सकते हैं। राशन कार्ड, APL, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, पार्क और सामुदायिक हॉल की बुकिंग करना, स्वास्थ्य लाइसेंस बनवाना, नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन, पानी का घरेलू कनेक्शन लेना, बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति जारी कराना और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के नवीकरण के निर्गमन, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, वाहन के स्वामित्व के स्थानांतरण, वाहन लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के स्वास्थ्य के प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य राज्य प्रमाण पत्र, OBC प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जारी करना, ऐसी अनेक महत्वपूर्ण सेवाओं की जानकारी के लिए हमेशा खुली है ये खिड़की, ESLA। आज ESLA के दायरे में है 23 विभाग और 116 सेवाएं। नागरिकों को उनके आवेदन की हर पल की जानकारी का मतलब है कामकाज में पारदर्शिता। कामकाज में पारदर्शिता बाध्य करती है सर्विस प्रोवाइडर यानी सेवा प्रदाता को कार्य कुशलता के लिए। सचमुच ये हकीकत कितनी सुखद है कि दिल्ली के 1.7 करोड़ नागरिकों की पहुंच में है ये सब। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 1.5 साल के थोड़े से समय में 43 लाख से अधिक एप्लीकेंट्स ने इसका उपयोग किया है। ESLA अधिकांश एप्लीकेशंस को समय पर कवर कर रही है। ऐसे रिस्पांस को देखते हुए कोशिश की जा रही है कि शेष सेवाओं को भी जल्द से जल्द ESLA से जोड़ा जा सके। सरकार ने जो मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है, इसके अंतर्गत जो सुविधा प्रदान की गई, समय अवधि मुझे 30 दिन की दी गई और मेरा काम आज उस निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निपटारा हो चुका है, मेरा काम हो गया है और इससे मुझे काफ़ी सुविधा हुई, समय की भी बचत हुई। मेरा नाम मनीष है, मैं यहाँ पे अपना गाड़ी का HP लीज हटवाने आया था RC से, जिसके लिए मुझे निर्धारित 30 दिन का टाइम दिया गया था और इस निर्धारित टाइम में मेरा ये काम पूरा हो चुका है, जिसके लिए मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ इस सेवा के लिए। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मुझे अपना DL बनवाना था और सरकार की ESLA प्रणाली के थ्रू मुझे बहुत ही मदद मिली, जिससे कि मैं अपने घर पर बैठे बैठे अपनी स्टेटस चेक करता रहा था। मुझे कहीं भी किसी भी ऑफिस में चक्कर काटने की या धक्के करने की जरूरत नहीं थी और जो एक समय सीमा मिली थी उस समय सीमा के अंतर्गत मेरा DL मिल चुका है। ESLA प्रोजेक्ट जो दिल्ली गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है, ये काफ़ी उत्साहवर्धक है और हम चाहते हैं इस अच्छे काम को आप लोग और फैलाएं और पब्लिक जरूर इस बात से बहुत खुश है। लाइनों में घंटों घंटों खड़े रहना पड़ता था, अब तो बहुत आसान काम है, चुटकियों में काम हो जाता है। अब तक तो कितने कागज बच गए होंगे। ये समरी चार्ट बताता है कि ESLA के नतीजे सचमुच बदलावकारी हैं। आवेदन पर निर्णय में देरी के मामलों में अप्रत्याशित गिरावट आई है, कर्मचारियों के व्यवहार में विनम्रता बढ़ी है और नागरिकों में संतुष्टि का भाव। आवेदन पर कार्रवाई होगी ही, ये भरोसा भी बढ़ा है। संकेत है कि दिल्ली के दफ्तरों में वर्क कल्चर बदला है, बेहतर हुआ है।
सुविधा को लागू करने से चाहे वो काम करवाने वाले हैं चाहे वो करने वाले हैं दोनों को संतुष्टि मिली है और दोनों ही इससे संतुष्ट हैं। चालू हुआ है, हमारे यहाँ लोगों की भीड़ नहीं लगती है, लोगों को ये पता है उन्हें कब आना है और उनको कब उनका काम होना है। पहले आवेदनों पर कार्रवाई में देरी की दर जहां 35% थी वो अब घटकर 8% रह गई है। भरोसा है कि इसे घटाकर 0% पर लाया जाएगा। कहना ना होगा कि ई मॉनिटरिंग के ये तमाम अनुभव प्रेरित करने वाले हैं। देश की राजधानी से हुई ये शुरुआत आगे चलकर भारत के दूसरे राज्यों की शासकीय कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसका श्रेय जाता है इसके कर्णधारों को, इनके कमिटमेंट को, इससे जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों को। ESLA, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस लेवल एग्रीमेंट, अब अत्याधुनिक सूचना तकनीक की मदद से तमाम दिल्ली वासी जाने अपने आवेदनों की वर्तमान स्थिति, पाएं अपनी सुविधाएं तय समय सीमा के अंदर। ESLA, अब सबकी पहुंच में, आइए जुड़िए अब एक क्रांतिकारी बदलाव से। ESLA, आपके हित के लिए त्वरित सेवा, दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी IT विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जनता की सुविधाओं एवं अधिकारों की जानकारी के लिए एक सुविधाजनक जंक्शन। ESLA, ESLA एक्शन गारंटीड यानी सुनिश्चित कार्रवाई। ESLA बचाए धन, श्रम, समय और सम्मान। ESLA.delhi.gov.in उपयोग करें। मॉनिटर स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन एनीबडी एनी टाइम एनीवेयर। थैंक यू ESLA।